डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी। पिता पुत्र के शव मिलने से गांव में मच गया हड़कंप। पुत्र का छत पर शव मिला तो पिता का शव खेतों में पड़ा मिला देख परिजनों में फैली दहशत। पुत्र का गला कसकर छत पर की गई हत्या। गले व शरीर पर मिले कई चोटों के निशान। पिता पुत्र में रहता था आपसी विवाद। पुत्र माता पिता के साथ करता था मारपीट और झगड़ा। पिता पर पुत्र की हत्या करने की जताई जा रही आशंका। पिता का खेत में पड़ा मिला है शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पिता पुत्र के शव मिलने से पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। दोनों को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। थाना शमशाबाद क्षेत्र के सरैया गांव की है पूरी घटना। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने घटनास्थल पर जाँच करने के बाद। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गाँव सहरैया में दो डेड बॉडी मिली है। एक पिता राम निवास की जो कि खेत में थी और गांव वालों और परिवारजनों के द्वारा एक गांव के पास घर के पास लाकर रखी गई थी। पुलिस को घर के पास से बरामद हुई है। और दूसरी डेड बॉडी उनके पुत्र की थी जो कि छत पे मिली है। पुत्र के शरीर पे चोट के निशान हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जो गले पे निशान है और जो चोट के निशान है उससे देख के ऐसा प्रतीत होता है किसी धारदार या नुकीले चीज़ से उन पर वार किया गया है और साथ में गला भी दबाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक्चुअल मृत्यु के कारण पोस्टमार्टम में बाद ही पता चलेगा। और जो पिता हैं रामनिवास, उनके शरीर पे कोई भी चोट, जाहिराना चोट अभी तक पुलिस को दिखे नहीं है, लेकिन उनका ही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु का असल कारण उसके बाद ही पता चलेगा। जो यहाँ प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई है, परिवारजनों ने बताया है कि पिता पुत्र में नहीं बनती थी। पुत्र जो शराब पीने का आदि था और पिता और माता दोनों से निरंतर झगड़ा किया करता था। और कुछ दिन पहले उसने अपने ट्रैक्टर में भी आग लगाई थी। वो पैसे मांग रहे थे, पिता ने पैसे दिए नहीं थे, तो शायद इसी वक्त उन्होंने ट्रैक्टर में आग लगाई थी। और जो अभी तक गांव वालों ने बताया है प्रथम दृष्टया, उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव है कि पिता ने पुत्र की हत्या की और सदमे में शौच में जाने वक्त मृत्यु हो गई। पुलिस इन सभी पहलुओं पे और साथ में और भी कुछ पहलू होगा उस पर विवेचना कर रही है और विवेचना के बाद ही हम सही रूप से कह पाएंगे कि ये कारण क्या है।